मैं आज आपको खड़े मसाले का कीमा बनाना सिखा रही हूँ। आधा किलो ये कीमा लिया है मशीन का, और दो टमाटर लिए हैं, दो प्याज लिए हैं लंबी वाली काटी हुई मैंने, और एक चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया लिया है, एक चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच और एक आधा चम्मच नमक, ज़रा सा गर्म मसाला लिया पिसा हुआ, और एक शिमला मिर्च लिए मैंने कटी हुई, अदरक और धनिया ये रखा हुआ आपका। और अब मैं प्याज तेल में डालूंगी, इसमें आधा कप तेल डाल दिया है। अब मैं आपको फ्राई करना, प्याज को मैं डाल रही हूँ इसमें फ्राई करने के लिए, तेल गर्म हो जाए। ये देखें मैं लाइट प्याज कर रही हूँ ब्राउन, देखें प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, लाइट ब्राउन करूँगी। अब उसके बाद में मसाले डाल दूंगी इसके अंदर, टमाटर ऐड कर दिए, डाल दिया इसके अंदर। अभी टमाटर थोड़े से गल जाए तो मैं आपको फिर मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। लेकिन कीमा बाद में डाल दूंगी, बारिश कीमा मसाले आपको दिखाए थे ना, सारे मसाले मैंने उसमें डाल दिए, थोड़ा सा अच्छा भूनूंगी, फिर इसमें कीमा डाल दूँगी। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो रहा है, नाई पर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, कीमा तो बस खाली दम पर रेडी हो जाएगा। तो मैंने कीमा डाल दिया है, कीमे के साथ थोड़ा सा दम पर रख दूँगी, कीमा रेडी हो जाएगा। देखिए ये मैंने कीमा भून लिया है, प्याज मैंने लाइट ब्राउन रखी थी, लंबी वाली प्याज काटी, कीमा प्याज बनाएगा। कीमा फ्राई हो गया, इसमें मैं हरी मिर्ची जो आपको दिखाई थी वो ऐड करूँगी। आपका कीमा रेडी हो गया, ताल पर आ गया है, कीमा रेडी है। मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, ये देखना बस अभी रेडी हो गया कीमा, मैं आपको देखती हूँ निकाल कर दिखाती हूँ। ये रेडी हो गई है खड़े मसाले का कीमा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।